हेलो दोस्तों, 24x7 स्टेनो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हाई स्पीड शॉर्ट एंड मैगजीन से 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दिया गया है। दोस्तों, और अधिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले आप इस डिक्टेशन से रिलेटेड एडवांस आउटलाइंस देख लीजिए ताकि डिक्टेशन आसानी से लिखा जाए। चलिए मेन डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। इट हैज़ फर्दर बीन एवर्ड इन द क्लेम एप्लीकेशन दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज ए कंटिन्यूअस एंड रिकरिंग वन। फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉज ऑफ एक्शन अकर्ड ऑन 12 अक्टूबर 1985 वैन द फर्स्ट लेटर कम नोटिस वॉज सर्व्ड एंड देन इट कंटिन्यूड टू सर्वाइव विथ एवरी डिस्पैच विच वॉज टू बी फाइनली डिस्पोज ऑफ ओनली आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्टेंस बाय द वेस्टर्न रेलवे। हैंस द एप्लीकेंट प्रिफर्ड दिस क्लेम एप्लीकेशन सीकिंग रिफंड ऑफ रुपीज 3,38,215 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। पैरा ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस द रेस्पोंडेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपियर्ड एंड फाइल्ड इट्स रिटन स्टेटमेंट प्लीडिंग देयर इन दैट ए क्लेम नोटिस अंडर सेक्शन 78B ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1890 इज द असेंशियल इंग्रीडियंट फॉर क्लेमिंग क्लेम्स कंपनसेशन। एप्लीकेंट इन दिस केस सर्व्ड क्लेम नोटिस अपॉन द रेस्पोंडेंट ऑन 20 जून 1990 वेयर हैज द कंसाइनमेंट्स वर बुक्ड फ्रॉम 1984 टू 1988 टू सर्व क्लेम नोटिस विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ्रेट्स इज द मैंडेटरी प्रोविजन एंड एनी डिविएशन ऑफ द सैड प्रोविजन वुड डीबार द क्लेमेंट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन। द क्लेम नोटिस इज सर्व्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट हैज़ फर्दर स्टेटेड दैट द क्लेम पिटीशन इज टाइम बार्ड एंड नो सफिशियंट कॉज हैज़ बीन शोन टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग द क्लेम एप्लीकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड अदर प्लीज डिसमिसल ऑफ द क्लेम एप्लीकेशन हैज़ बीन सॉट बाय द रेस्पोंडेंट। पैरा द एप्लीकेंट इन सपोर्ट ऑफ इट्स क्लेम हैज़ फाइल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट ऑफ श्री आर सी गुप्ता कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मैसर्स मंगलम सीमेंट अलॉन्ग विथ कॉपीज ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। दिस विटनेस ऑफ द एप्लीकेंट वॉज क्रॉस एग्जामिंड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट ऑन 18 मार्च 2009। द रेस्पोंडेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स डिफेंस हैज़ फाइल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट ऑफ श्री जयराम
मीना चीफ गुड्स सुपरवाइजर एट MCL साइडिंग कोटा डिवीजन एंड ही वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट ऑन 4th जुलाई 2012. वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज मटीरियल मेड अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एविडेंस एड्यूस्ड बाय देम एंड हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड ऑन बिहाफ ऑफ राइवल पार्टीज अवर फाइंडिंग्स ऑन द अफोरसेड इशूज आर एज अंडर सिंस दिस इशू वॉज आर्ग्यूड एट लेंथ एंड appears to be an important one to decide the fate of this case. The same is being dealt with and decided first. In the present case, wide order dated 2nd June 1992, tribunal summarily dismissed the claim application at the stage of admission for want of legal and valid notice as per provisions of section 78B of Indian Railway Act 1890 under bracket corresponding provision is section 106 of Indian Railway Act 1989 bracket close stop